हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग CDS 1 2022, जो कि 10th ऑफ अप्रैल को कंडक्ट हुआ था, उसके जीके के सेक्शन को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ देख रहे हैं। हमने शुरुआत की थी फर्स्ट वीडियो में अपने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के साथ, और पिछली दो वीडियोस में हमने लगभग 10 क्वेश्चंस हम ज्योग्राफी के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ देख चुके हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है, और इसमें भी हम अराउंड 6 क्वेश्चंस को, ज्योग्राफी के ही क्वेश्चंस हैं, उनको यहां पर देखेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम भवानी सिंह, अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड आई हैव वर्कड फॉर बालो अकेडमी फॉर 4 ईयर्स। और आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए कुछ पेड कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन केस आपको इंटरेस्ट है, फर्स्ट मई से बैच शुरू हो रहा है, और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप अपने आप को जल्द से जल्द एनरोल करवा लें। और बाकी कोर्स की डिटेल्स इस स्लाइड पर मौजूद हैं, तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके इन डिटेल्स के थ्रू जा सकते हैं, और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं उसके थ्रू आप कोर्स को फर्दर इंक्वायर कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। तो भाई लोग, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 38 अगेन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, सेट सी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, आइसोहलाइंस आर लाइंस जॉइनिंग इक्वल, ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी रेनफॉल, ऑप्शन डी सेलिनिटी। तो बेसिकली कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं आइसोहलाइंस, और ये किसको जॉइन करती हैं, किसको कनेक्ट करती हैं? इक्वल टेम्परेचर को, इक्वल प्रेशर को, इक्वल रेनफॉल को, इक्वल सेलिनिटी को। तो मैं आपको बता दूं आइसोहेलाइंस का मतलब क्या होता है। भाई आइसो का मतलब होता है सेम, और हेलाइंस का मतलब होता है सेलिनिटी। यानी आइसोहेलाइंस जो कि एक इमेजिनरी लाइंस हैं, इनका इस्तेमाल, इनका यूज इक्वल अमाउंट ऑफ सेलिनिटी वाले रीजन्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। आप सबको मालूम है कि जो सी या ओशन होता है उसका पानी जो है खारा होता है, उसका पानी जो है सलाइन है, सॉल्टी होता है। इसका मतलब क्या है कि सी या ओशन के पानी में सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा है। अब सपोज करो कि ये कोई सी है या कोई ओशन है, सपोज करो ये कोई सी या ओशन है। अब इसमें ये पॉइंट्स हैं, ए, फिर एक पॉइंट है बी, फिर इधर एक पॉइंट है सी, ये एक पॉइंट है डी, ये एक पॉइंट है ई। अब ये पांचों के पांचों पॉइंट्स, ये जो 5 पॉइंट्स हमने शो किए हैं ए बी सी डी ई, मैं ये कहता हूं कि भैया यहां पे इक्वल अमाउंट ऑफ सेलिनिटी पाई जा रही है, इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट है। तो अब इस इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट वाले रीजन्स को जो लाइन ज्वाइन करती है, कनेक्ट करती है, इस लाइन को आइसोहेलाइन कहते हैं, इस लाइन को आइसोहेलाइन कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, आइसोहेलाइंस आर लाइंस जॉइनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ सेलिनिटी। अब अगर आप ये कहें कि सर फिर ये इक्वल टेम्परेचर को, इक्वल प्रेशर को, इक्वल रेनफॉल को कनेक्ट करने के लिए भाई कौन सी लाइंस इस्तेमाल होती है, तो मैं आपको बता दूं, किसी मैप पर जब आपको अलग अलग इलाकों में इक्वल टेम्परेचर को दिखाना हो, तो जिन लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं आइसोथर्म्स, आइसोथर्म्स। उसके बाद अगर मैप पर आपको इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर दिखाना है किसी इमेजिनरी लाइन के थ्रू, तो उस लाइन को बोल देते हैं आइसोबार। तो टेम्परेचर को दिखाने के लिए आइसोथर्म, प्रेशर को दिखाने के लिए आइसोबार। और अगर आपको मैप पर ऐसे इलाकों को कनेक्ट करना है किसी लाइन के थ्रू जो इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव करें एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, तो इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल वाले इलाकों को कनेक्ट करने के लिए वी हैव आइसो हाइट, ISOHYET। तो भैया टेम्परेचर दिखाती है आइसोथर्म्स, प्रेशर दिखाती है आइसोबार, और रेनफॉल को दिखाती है आइसो हाइट, और सेलिनिटी तो हमने पढ़ लिया आइसोहेलाइंस। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, अगले किसी एग्जाम में दोबारा इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आराम से अटेम्प्ट हो सकता है। भाई लोग, क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया है, पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आगे आपके काम आ सकते हैं।
तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सेलिनिटी है इसका मतलब तो अब आपको मालूम ही है। सेलिनिटी का मतलब है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वाटर भी कहाँ का, सी का या ओशन का। तो भाई हम सबको मालूम है कि सी या ओशन में जो पानी है वो सलाइन है, सॉल्टी है, यानी वहां पर सेलिनिटी है। अब ये जो सेलिनिटी है इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो इस तरह से, भाई सी वाटर में कितनी सेलिनिटी कैसे मेजर करोगे, कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। हम देखते हैं कि पर केजी वाटर में, ध्यान से देखिए, पर केजी वाटर, पर किलोग्राम वाटर यानी 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना ग्राम सॉल्ट है, कितना ग्राम सॉल्ट है। तो आपको इस तरह से एक्सप्रेस करना है, इस तरह से मेजर करना है कि पर केजी वाटर, या आप कह सकते हो पर 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना ग्राम सॉल्ट है। मान लीजिए कोई सी है और उस सी में एक सर्टेन जगह पे, एक सर्टेन जगह पर 2 ग्राम या 2 ग्राम सॉल्ट है, 2 ग्राम सॉल्ट है, तो 2 ग्राम सॉल्ट पर केजी वाटर में है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई 1 केजी वाटर में 2 ग्राम सॉल्ट, तो हमने लिख दिया 2 ग्राम्स पर केजी। या तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 PPT। आप सेलिनिटी को ग्राम पर केजी के अलावा पीपीटी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। पीपीटी का मतलब है पार्ट्स पर थाउजेंड, पार्ट्स पर थाउजेंड, मतलब 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना ग्राम सॉल्ट है। तो पार्ट्स पर थाउजेंड भी लिख सकते हो और आप इसको ग्राम पर केजी भी लिख सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा चीजें थी, एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। तो भाई लोग हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 51, और क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट इन द वर्ल्ड टू रीच अ पॉपुलेशन साइज ऑफ 1 मिलियन, मिलियन प्लस सिटी। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी वॉशिंगटन डीसी। तो भैया चारों सिटीज के नाम आप लोगों ने सुने हुए हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब क्वेश्चन यह कह रहा है कि इन चारों सिटीज में से वो कौन सी सिटी है जिसने सबसे पहले 10 लाख पॉपुलेशन यानी 1 मिलियन पॉपुलेशन के साइज को छुआ। इनमें से वो कौन सी सिटी है जिसमें सबसे पहले 10 लाख लोगों की पॉपुलेशन हो गई। तो अगर मैं बात करूं उस क्वेश्चन की, तो भाई लोग फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। मैं आपको बता दूं आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी का स्टेटमेंट लिया गया है पूरी तरह से। इसका जो आंसर है वो है लंदन। लंदन इज द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट इन द वर्ल्ड टू रीच अ पॉपुलेशन साइज ऑफ 1 मिलियन। भाई लोग 1810 में, ये जो ईयर है 1810, इसमें ही लंदन में 1 मिलियन पॉपुलेशन हो गई थी, 10 लाख लोग हो गए थे। अगर मैं पेरिस की बात करूं तो पेरिस में 10 लाख लोग हुए हैं, 10 लाख लोग हुए हैं, यानी 1 मिलियन लोग हुए हैं 1850 में। न्यूयॉर्क की अगर बात की जाए तो 1860 में, यहां पर भी 1 मिलियन पॉपुलेशन हो गई। और अगर वॉशिंगटन डीसी की बात करें भाई लोग, तो आज 2022 चल रहा है, आज भी वॉशिंगटन डीसी जो कि यूएसए की कैपिटल है, यहां पर आज भी 10 लाख पॉपुलेशन नहीं हुई है, 1 मिलियन पॉपुलेशन नहीं हुई है। यहां आज भी 6.5 लाख लोग हैं सिर्फ, यहां पर 1 मिलियन पॉपुलेशन नहीं है। तो ऑप्शन डी तो वैसे ही खत्म हो गया, बाकी मैंने करेक्ट आंसर आपको बता ही दिया है। सबसे पहले जो है लंदन में 10 लाख लोग हुए हैं, तो ये हमारा सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई लोग अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 52। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक टाइप्स कोपेंस स्कीम इज बेस्ट सुटेड टू डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ राजस्थान। ऑप्शन ए AMW, ऑप्शन बी AW, ऑप्शन सी BW HW एंड ऑप्शन डी CWG। तो भाई लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कोपेन नाम के एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट या जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट हुआ करते थे। 1846 में इनका जन्म हुआ था और 1940 में इनकी डेथ हो गई। तो ये बेसिकली 19th और 20th सेंचुरी के टाइम में थे, और इन्होंने पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को 5 to 6 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। ये जो पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को इन्होंने डिवाइड किया है, वो किया है दो बेसिस पे। एक तो इन्होंने प्रेसिपिटेशन को चुना, यानी रेनफॉल, स्नोफॉल यानी बारिश वगैरह को चुना,
और दूसरा इन्होंने टेम्परेचर को चुना भाई। तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे वर्ल्ड के क्लाइमेट को 5 to 6 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और उन ग्रुप्स को भी रिप्रेजेंट किया इन्होंने अल्फाबेट्स के सहारे, अल्फाबेट्स के थ्रू उन्होंने उनको रिप्रेजेंट किया। तो इनके जो 5 to 6 मेजर ग्रुप्स हैं उनको इन्होंने ऐसे नाम दिया है भाई, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी, ई और एक लास्ट है एच। इनका जो ए ग्रुप है ये रिप्रेजेंट करता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट को, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आप सबको मालूम है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, यानी इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में इक्वेटर है, तो ये जो पूरा एरिया है इसे ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो यहां का क्लाइमेट रिप्रेजेंट किया जाता है ए सिंबल से। बी सिंबल रिप्रेजेंट करता है ऐसे क्लाइमेट को जो ड्राई है, जो एरिड है, यानी कि जो सूखा इलाका है, जो डेजर्ट वाला इलाका है, उसको बी जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है। सी जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली थोड़े ठंडे इलाके को, टेम्परेट क्लाइमेट को, टेम्परेट रीजन को ये रिप्रेजेंट करता है। और डी रिप्रेजेंट करता है थोड़े और ठंडे इलाके को, बेसिकली जो कोल्डर रीजन है, टेम्परेट से भी थोड़ा ठंडा। तो आप जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ते जाओगे तो टेम्परेट आएगा, फिर कोल्डर रीजन। और ई जो सिंबल है ये तो रिप्रेजेंट करता है भाई लोग जो बिल्कुल कोल्डेस्ट इलाके हैं हमारी अर्थ पर, जैसे पोलर रीजन्स, पोलर रीजन्स को ये रिप्रेजेंट करता है। और एच जो है, एच रिप्रेजेंट करता है हाईलैंड्स को, हाईलैंड्स यानी जो ऊंचे इलाके हैं। और जितने भी ऊंचे इलाके हैं आप सबको मालूम है, इन ऊंचे इलाकों में, हाईलैंड्स में ऑल्टीट्यूड ज्यादा होने की वजह से, हाइट ज्यादा होने की वजह से वो ठंडे ही होते हैं। तो यहाँ पर भी जो क्लाइमेट है वो थोड़ा ठंडा ही होता है, ठीक है। जैसे पहाड़ी इलाकों में आप जाते हैं, माउंटेनियस रीजन्स में जाते हैं तो ठंड लगती है कि नहीं, क्योंकि वो हाइट पर है। तो हाईलैंड्स में जो टेम्परेचर है, जहां पे हाईलैंड्स है वहां पे कंपेरेटिवली ठंडा इलाका होगा। तो भैया ए जो सिंबल है वो ट्रॉपिकल इलाके में जो क्लाइमेट है उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी है। फिर बी जो है वो कंपेरेटिवली कम गर्म है, पर ये सूखा है, यानी ड्राई है, एरिड है ना, बंजर सा है थोड़ा। फिर सी जो है वो कंपेरेटिवली ठंडे इलाके को, फिर डी उससे भी ठंडे इलाके को रिप्रेजेंट करता है, ई तो बिल्कुल कोल्डेस्ट इलाके को रिप्रेजेंट करता है, और एच ये भी ठंडा इलाका है, पर वो ठंडा इलाका जो एलिवेशन की वजह से ठंडा है, हाईलैंड्स की वजह से ठंडा है, यानी हाइट बढ़ने की वजह से ठंडा है। तो अब आप देखो ये जो हमने कुछ 6 सिंबल्स यहां पे पढ़े हैं इनके सहारे ही हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमें ये जो स्मॉल लेटर्स हैं एम डब्ल्यू 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 एच डब्ल्यू डब्ल्यू जी, इनकी जरूरत ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ, सपोज कीजिए इंडिया में ये राजस्थान है, आप सबको पता है कि इस तरह से अरावली माउंटेन रेंज जो है वो राजस्थान को क्रॉस करती है, और अरावली राजस्थान को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है भाई। इधर तो थार डेजर्ट है, इधर तो थार डेजर्ट है हमारा, और इधर अपना ये प्लेन रीजन है राजस्थान में, मैदानी इलाका है, नदियां बह रही हैं भाई इधर पे। तो ये जो वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ राजस्थान है जहां पर डेजर्ट है, सूखा पड़ा हुआ है, एरिड रीजन है, तो खुद ही बताओ अब कौन सा सिंबल यहां पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बी ड्राई एरिड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो बी जहां पे है वो तो सिर्फ ऑप्शन सी है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो गया, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है उसको मैंने बस थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको समझाया, और उसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 52। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 53, और क्वेश्चन नंबर 53 पूरी तरह से फैक्चुअल है, लोकेशन बेस्ड है। अगर आपको लोकेशन मालूम है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन है, वेयर आर दी बरमूडा आइलैंड्स लोकेटेड? ऑप्शन ए कैरिबियन सी, ऑप्शन बी नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ऑप्शन सी गल्फ ऑफ मैक्सिको, ऑप्शन डी मेडिटेरेनियन सी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कैरिबियन सी तो भाई लोग ये है, कैरेबियन सी ये है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है ये। तो ये हो गया हमारा कैरेबियन सी। उसके बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये कंट्री है मैक्सिको, और इधर है यूएसए,
इसके पास ये जो है ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ आपको पता है, गल्फ एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो तीन तरफ से लैंड से कवर्ड हो। तो भाई यूएसए और मैक्सिको ने इसको तीन तरफ से घेर रखा है, कवर किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है, तो ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। फिर हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन देखो भाई लोग, ये पूरा का पूरा हमारे पास अटलांटिक ओशन है, तो ये नॉर्थ में है तो इसको बोल दिया हमने नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और ये साउथ में है तो इसे बोल दिया साउथ अटलांटिक ओशन, ये साउथ अटलांटिक ओशन हो गया। फिर हमारे पास है मेडिटेरेनियन सी, तो भाई लोग भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी ये है, ये मेडिटेरेनियन सी है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच में है। तो हमने चारों वाटर बॉडीज की लोकेशन देख ली है। अब देखो वेयर आर दी बर्मुडा आइलैंड्स लोकेटेड। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये बर्मुडा आइलैंड्स जो हैं ये ब्रिटिश टेरिटरी है भैया, अंग्रेजों की टेरिटरी है ये, और इसकी लोकेशन, इसकी जो लोकेशन है वो मैं ब्लैक कलर से मार्क करता हूं। ये देखिए ये है बर्मुडा आइलैंड्स की लोकेशन। तो हम आप खुद बताइए, क्या ये कैरेबियन सी में है, क्या ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में है, क्या ये मेडिटेरेनियन सी में है? भैया ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। तो हमारा आंसर हो गया नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ऑप्शन बी। तो भाई लोग अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 54, और क्वेश्चन नंबर 54 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैज दी हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू दी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मिजोरम। तो मैं आप सबको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे फॉरेस्ट कवर को लेके पूछा गया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एक रिपोर्ट के बेसिस पर। 2021 में एक रिपोर्ट आई है जिसे हम बोलते हैं इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, शॉर्ट में आप इसे ISFR भी कह सकते हैं। ये बेसिकली एक बाइनियल रिपोर्ट है भाई लोग। बाइनियल रिपोर्ट का मतलब होता है कि ये हर 2 साल में रिलीज होती है, हर 2 साल में पब्लिश होती है, एनुअली पब्लिश नहीं होती, हर 2 साल में पब्लिश होती है, और 1987 में ये पहली बार पब्लिश हुई थी। इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। बहुत अच्छे से आप ये याद कर लें, पूछा जा सकता है कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा डिपार्टमेंट पब्लिश करता है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आता है बेसिकली। अब इसी रिपोर्ट के बेसिस पे मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है टोटल, या जो ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर जो है इंडिया का, वो है 24.62%। फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो हम हमारी जो पेड क्लासेस हैं उसमें करते हैं जनरली, यहाँ पर थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं वहाँ पे बता नहीं रहा हूँ। तो 24.62% ये हमारा फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर रीजन है इंडिया में। आइडियली तो ये 33% के आसपास होना चाहिए, पर फिलहाल 24.62% है। अब ये तो हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इन चारों टेरिटरीज में से वो कौन सी टेरिटरी है जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, तो स्टेट के या यूनियन टेरिटरी का जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, उसके रेस्पेक्ट में कितना एरिया फॉरेस्ट एरिया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे आंसर, यानी कि जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया है वो है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप में जितना भी एरिया है, इसी यूनियन टेरिटरी के पास जितना भी एरिया है अपना, जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है, उसका 90.33% फॉरेस्ट कवर है। भैया लक्षद्वीप का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, उसका 90.33% तो फॉरेस्ट एरिया है। फिर अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, तो भाई लोग 79.33%, यानी अरुणाचल प्रदेश का जो अपना टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 79.33% इलाका फॉरेस्ट एरिया है। और नागालैंड की अगर बात की जाए तो भाई लोग यहां पर 73.90%, तो नागालैंड का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 73.90% फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एरिया है। और मिजोरम की अगर बात की जाए भाई लोग, तो यहां पर
मिजोरम के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 84.53% एरिया फॉरेस्ट एरिया है। तो अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर यूटीज में आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा तो लक्षद्वीप का है भाई फॉरेस्ट कवर 90.33%। और अगर स्टेट्स के बारे में पूछ लिया जाए तो मिजोरम के पास है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, तो मिजोरम के पास फॉरेस्ट एरिया अपने टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के रेस्पेक्ट में। तो फिलहाल तो इन्होंने इस क्वेश्चन में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिक्स करके पूछा है, तो हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा बी। पर अगर ये सिर्फ यूटीज से पूछेंगे तो लक्षद्वीप होगा, सिर्फ स्टेट से पूछेंगे तो मिजोरम होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग, अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है, इन इंडिया द पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द डेकेड और डेकेड्स ऑफ ऑप्शन ए 1981 टू 2011, ऑप्शन बी 1951 टू 1981, ऑप्शन सी 1921 टू 1951, ऑप्शन डी 1911 टू 1921। तो देखिए, इस क्वेश्चन को इस तरह से समझिए कि आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है, वो कौन सा फेज है जहां पर इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेडी रही हो, स्थिर रही हो, एक कांस्टेंट रेट के साथ आगे बढ़ी हो। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको हम चार फेजेस में देखते हैं, फोर फेजेस में देखते हैं। पहला है हमारे पास फेज वन। फेज वन में ईयर आ जाता है 1901 से 1921 तक, तो ये फेज वन है। इस फेज वन में जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रही है भाई लोग, उसे हम बोलते हैं स्टेगनेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, स्टेगनेंट। और स्टेगनेंट का मतलब आपको मालूम है, रुकी हुई। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई लोग, यहां पर बर्थ रेट हाई थी, यानी यहां देश में हमारे जो लोग थे वो पैदा बहुत ज्यादा हो रहे थे, बर्थ रेट काफी ज्यादा हाई थी, और साथ ही साथ लोग तेजी से मर भी रहे थे, तो डेथ रेट भी काफी हाई थी। तो अब आप खुद सोचिए, जहां पे बर्थ रेट भी हाई है, लोग तेजी से पैदा भी हो रहे हैं और तेजी से मर भी रहे हैं, डेथ रेट भी हाई है, तो बेसिकली बैलेंस कर दिया ना इस चीज ने। तो मर भी ज्यादा रहे हैं, पैदा भी ज्यादा हो रहे हैं, तो कुछ ग्रोथ तो देखने को मिल ही नहीं रही, रुकी हुई ग्रोथ है। जितने पैदा हो रहे हैं लगभग उतने मर भी रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसको बोल दिया स्टेगनेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और ऐसा क्यों है कि बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट हाई है? तो बर्थ रेट हाई होने के पीछे रीजन ये है कि लोग अवेयर नहीं थे, लोगों के पास नॉलेज नहीं थी और मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, तो इसलिए बर्थ रेट हाई था। डेथ रेट हाई इसलिए क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, कि अगर लोग मर रहे हैं तो उनको बचाया नहीं जा सकता था, महामारियां होती थी, बीमारियां होती थी, तो जितने लोग तेजी से पैदा हो रहे थे उतने ही तेजी से मर भी रहे थे, तो ग्रोथ जो है वो रुकी हुई थी। फिर फेज टू की बात करते हैं। फेज टू को हम मार्क करते हैं 1921 से 1951 तक। यहां जो पॉपुलेशन ग्रोथ रही उसे हम बोल देते हैं स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। हालांकि अब आपको देखते ही आंसर तो पता चल ही गया है, आंसर हमारा यहां पे हो जाएगा 1921 से 1951, ऑप्शन सी। पर आप इसको तब भी समझ लीजिए, इसे हम बोल रहे हैं स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी एक कांस्टेंट रेट से अब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हो रही थी। इस टाइम पे क्या होता है कि बर्थ रेट जो है वो अभी भी हाई थी, पर जो डेथ रेट है उसमें थोड़ी सी कमी आ गई, ये थोड़ी लो हो गई, क्योंकि इस टाइम तक हमारे यहाँ थोड़ी मेडिकल फैसिलिटीज आ चुकी थी, लोग जो हैं वो मेडिकली अवेयर हो चुके थे, और क्योंकि हेल्थ और सैनिटेशन पर थोड़ा ध्यान दिया गया है इस फेज में, तो जो डेथ रेट है वो कम हो गई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन हमारी अब यहाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी, बहुत धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो हम देख सकते हैं कि स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ थी, कोई तेजी से ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत एक कम रेट के साथ, एक कांस्टेंट रेट के साथ धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही थी। और साथ ही साथ अगर हम फेज थ्री की बात करें, तो फेज थ्री में हम देखते हैं 1951 से लेकर 1981 तक के टाइम पीरियड को, और इस टाइम पीरियड को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के फेज के तौर पर देखते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो पॉपुलेशन है, इस फेज में जो पॉपुलेशन है वो कितनी तेजी से बढ़ी होगी। इसके पीछे रीजन है,
एक तो बर्थ रेट हाई और डेथ रेट काफी लो हो गया, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पे बहुत अच्छी आ चुकी थी। लोग अब अवेयर थे कि किस तरह से बचाना है लोगों को। हेल्थ और सैनिटेशन पे काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बर्थ रेट हाई होने के अलावा हमारे यहाँ माइग्रेशन भी हो रहा था, तो पॉपुलेशन ऐड हो गई। भाई तिब्बत से लोग आए, क्योंकि उस वक्त तिब्बत को चाइना ने कैप्चर किया हुआ था जबरदस्ती, तो वहां से लोग माइग्रेट होके इधर आ गए हमारे इंडिया में। उसी वक्त पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर हुआ था 1971 में, उसे बोलते हैं बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो उस वक्त भी कई सारे जो शरणार्थी थे, तो जो माइग्रेंट्स थे, वो इंडिया में आ गए थे, तो बांग्लादेशीज भी आ गए थे हमारे यहाँ, उससे भी पॉपुलेशन बढ़ गई। उसके साथ साथ पाकिस्तान से भी एक माइग्रेशन जो है वो आज़ादी के बाद से ही लगभग चालू रहा, तो पाकिस्तान से भी लोग जो है माइग्रेंट जो है वो आकर हमारी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते रहे। और साथ ही साथ नेपाल से भी जो लोग हैं वो हमारे यहाँ माइग्रेंट्स के फॉर्म में आते रहे। तो तिब्बतंस, बांग्लादेशीज, पाकिस्तानीज और नेपालीज ने हमारी पॉपुलेशन को बढ़ा दिया। तो एक तो बर्थ रेट तो हाई है ही, माइग्रेंट्स जो है वो तेजी से पॉपुलेशन बढ़ा गए, साथ ही साथ डेथ रेट जो है वो लो हो गई। तो भैया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो होना ही था, लोग पैदा हुए जा रहे हैं, माइग्रेशन के थ्रू बढ़े जा रहे हैं, मर रहे नहीं, इसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज्यादा हो गया और इस फेज को इस नाम से जाना जाता है। फिर हमारे पास है फेज 4। फेज 4 में हम देखते हैं कि 1981 से लेकर अभी तक का जो टाइम है उसे हम मार्क करते हैं। तो 1981 से लेके अब तक का जो फेज है उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि 1981 के बाद से अभी तक पॉपुलेशन इंक्रीज तो हो रही है, पर इंक्रीज होने की जो रेट है वो थोड़ी सी स्लो हुई है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये 4 फेजेस देखते हैं। और हमने देखा कि फेज 1 में स्टेगनेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन थी, फेज 2 में स्टेडी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन थी, फेज 3 में तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, और फेज 4 में पॉपुलेशन बढ़ तो रही है पर उसके बढ़ने का जो रेट है वो अब धीरे धीरे स्लो हो रहा है। तो हमारा जो आंसर है जिसमें हमें मार्क करना है स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ को, तो वो है ऑप्शन C, 1921 से 1951। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस और इनके जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हैं वो समझ में आए हों अच्छे से। और अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने नोन के साथ या जो भी फ्रेंड्स आपकी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इन वीडियो से कुछ फ़ायदा हो सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।